जय हिंद एंड हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञानदेह होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं IBPS RRB 12 एडमिट कार्ड 2023 के बारे में कि कैसे आप लोग आपकी जो वैकेंसी आई थी 8594 पद की, इसका एडमिट कार्ड डाउनलोड कर पाएंगे। यहां पर आपको एडमिट कार्ड डाउनलोड करने का प्रोसेस तो बता ही जाएगा, बट अगर आप बताए गए प्रोसेस के माध्यम से किसी भी रीजन से आपके एडमिट कार्ड को डाउनलोड नहीं कर पा रहे हैं तो आप मेरे द्वारा भी अपने एडमिट कार्ड को डाउनलोड करा सकते हैं। उसके लिए आपको कैसे कहां पर अपनी जानकारी सेंड करनी है ये मैं आपको इस वीडियो के लास्ट में बताऊंगा। पहले आप ये जान लीजिए कि कैसे आपको डायरेक्ट लिंक का इस्तेमाल करते हुए अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड करना है। तो चलिए शुरू करते हैं गाइज। यहां पर अभी जो आप वीडियो में देख सकते हैं हमारी ऑफिशियल वेबसाइट jobsgyan.in है, इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है। आप जैसे ये लिंक ओपन करेंगे आपके सामने यहां पर इस रिक्रूटमेंट की जानकारी आएगी, जहां पर जानने को मिलेगा कि आपने ये फॉर्म 21 जून 2023 तक भरा था, कौन सी पोस्ट के लिए कितने पद है आप यहां पर चेक कर सकते हैं। एंड यहां पर आप आएंगे और इंपोर्टेंट लिंक्स के सेक्शन में आकर के आपको IBPS RRB ऑफिस असिस्टेंट एडमिट कार्ड डाउनलोड लिंक दिया है। अगर आपने ऑफिस असिस्टेंट मल्टीपर्पज पर अप्लाई किया था तो आप ये पहले वाला लिंक ओपन करेंगे, आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। अब आप यहां पर सिलेक्ट करेंगे कि आप किस लैंग्वेज में अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड करना चाहते हैं, हिंदी या फिर इंग्लिश, कोई भी एक लैंग्वेज आप सिलेक्ट कर लीजिए। एंड इसके बाद में आप यहां पर आपका राशन का जो नंबर है वो आप एंटर करेंगे, जो कि आपको राशन करने के बाद में मिला था। एंड इसके बाद में यहां पर आपको आपका पासवर्ड डालना है या फिर आप यहां पर आपकी डेट ऑफ बर्थ एंटर करेंगे। अगर आप डेट ऑफ बर्थ एंटर कर रहे हैं, जो कि मैं आपको सजेस्ट भी कर रहा हूं कि आप डेट ऑफ बर्थ के माध्यम से आपने एडमिट कार्ड को डाउनलोड करें, तो आप कैसे लिखेंगे आप यहां पर जान लीजिए। तो जैसे कि आपकी डेट ऑफ बर्थ है 02/05/1997, तो आपको 02 लिखना है, फिर आपको हाइफन लगाना है, फिर आपको यहां पर आपका मंथ लिखना है, इसके बाद में फिर से हाइफन लगाना है, और जो आपके ईयर के बाद के दो अंक है वो आप यहां पर लिखेंगे। तो इस तरह से आपको आपकी वो भी यहां पर टाइप करनी है, और आपको ये जो हाइफन है ये भी आपको यहां पर टाइप करना होगा जो आपका पासवर्ड का ऑप्शन है इसके अंदर। फिर आप ये कैप्चा कोड फिल करेंगे एंड देन लॉगिन कर लेंगे। लॉगिन करते ही आपके सामने आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा और आप डाउनलोड के ऊपर क्लिक करके उसको डाउनलोड कर पाएंगे। मैं माफी चाहता हूं कि मैं आपको लाइव नहीं दिखा पाया, क्योंकि मैंने इस फॉर्म के अंदर फॉर्म नहीं भरा था और ना ही मेरे पास अभी तक किसी ऐसे कैंडिडेट की इन्फॉर्मेशन है जिसने कि ये फॉर्म भरा हो। अगर भरा मेरे पास होती तो मैं आपको लाइव दिखाता, बट आपके सामने कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। जैसे कि मैंने आपको बताया एडमिट कार्ड डाउनलोड करने का प्रोसेस अगर आप ऐसे करेंगे। एंड गाइज, अगर आपने यहाँ पर जो आपकी ऑफिसर स्केल फर्स्ट PO एडमिट कार्ड इसके लिए अप्लाई किया था, तो आप यहाँ पर इस सेकंड वाला लिंक ओपन करेंगे। अभी इसका जो डाउनलोड करने का जो लिंक है वो अपडेट नहीं हुआ है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। अभी यहाँ पर ऑफिस असिस्टेंट मल्टीपर्पज का ही हुआ है, जैसे ही होगा वो भी आप यहाँ पर डायरेक्ट लिंक का इस्तेमाल करके सेम वे में अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर पाएंगे। अब अगर आप यहाँ पर किसी भी रीजन से आपका एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं कर पा रहे हैं, या फिर आप चाहते कि ऑफिस असिस्टेंट या फिर जो आपकी ऑफिसर स्केल की वैकेंसी है इसका एडमिट कार्ड मैं आपका डाउनलोड करूं, तो आप कैसे अपनी जानकारी सेंड करेंगे वो आप जान लीजिए। आप यहां पर इस वेबसाइट पर आएंगे और सबसे लास्ट में आकर के कॉन्टैक्ट अस के ऊपर क्लिक करेंगे। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद में यहां पर आपका नाम देंगे, आपकी ईमेल आईडी देंगे, फोन के अंदर आपको आपका व्हाट्सएप नंबर देना है, क्योंकि यहीं पर आपको एडमिट कार्ड का PDF सेंड किया जाएगा। मैसेज में आप यहां पर आपका जो राशन नंबर है वो देंगे, साथ ही यहां पर आपका जो डेट ऑफ बर्थ है वो लिखेंगे, और साथ ही आप यहां पर सबसे महत्वपूर्ण रूप में लिखेंगे कि IBPS RRB ऑफिस असिस्टेंट एडमिट कार्ड 2023 या फिर IBPS RRB ऑफिसर स्केल एडमिट कार्ड 2023, ये आपको जरूर लिखना है, क्योंकि उससे मुझे समझ में आएगा कि ये किस डिपार्टमेंट की जानकारी है और मुझे इसका क्या करना है। सो आप ये जानकारी देने के बाद सबमिट करेंगे, सबमिट करने के बाद ये जानकारी मेरे पास आ जाएगी और मेरे से जितनों को अभी हो पाएगा वो एडमिट कार्ड डाउनलोड करके आपको दिया जाएगा, उसके लिए आपसे कोई भी चार्ज नहीं लिया जाएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।